है गाइस सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ईयर की एंड द ईयर परफॉर्म्स द टू सेंसरी फंक्शंस हेयरिंग हेयरिंग करता है ईयर और एक और फंक्शन हमें प्रोवाइड कराता है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर सेक्शन द आउटर ईयर द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर आउटर ईयर मिडिल ईयर एंड इनर ईयर दीज आर द सेक्शन जिसमें हम ईयर को डिवाइड कर सकते हैं the outer ear, the outer ear uh, consists of the pinna, so this is the ear pinna, ठीक है, so ये जो बाहर से दिखता है, इसे क्या बोलते हैं ear pinna, and this is the outer outer ear का ये part है, ठीक है, uh, so the ear pinna and the and the external auditory meatus, and ये जो canal है, ठीक है, ये जो canal है, ये इसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडी ऑडिटरी मियटस मियटस मतलब होता है uh, कोई भी एक पैसेज pa एक स्मॉल पैसेज ठीक है तो उसे मियटस कहते हैं सो so, the pinna collect the vibration from uh, in the air which produce sound. the external auditory meatus leads the inward and extends up to the tympanic membrane, the eardrum. so होता क्या है कि जो outer ear का part है ये मतलब कोई भी अगर sound wave आ रही है, so ये उसको collect करता है और इसमें भेजता है that is अपने uh, external auditory meatus में meatus के through ये जो अपने tympanum है यानी कि eardrum है uh, या फिर tympanic membrane इस तक एक भेजता है ठीक है दिस इज़ वॉट दिस इज पिन्ना ठीक है सो देर इज़ अ वेरी फाइन हेयर एंड द वैक्स क्रिएटिंग ग्लैंड इन द इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मियटस यहाँ पे वैक्स तो वैक्सिक्रीशन होता है मेटस एंड पिना पे पिना पे द थिम्पेनिक मेब्रेन ओके सो वॉट हैपन्स इज की वेरी फाइन हेयर्स भी होते हैं और वैक्सिक्रेशन भी होता है ठीक है ताकि कोई भी फॉरन पार्टिकल डस्ट पार्टिकल वगैरह को ग्रैप कर सकें द थिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज ऑफ कनेक्टिव टिशू जो थिम्पेनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ कम्पोज ऑफ कनेक्टिव टिशू ठीक है थिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है थिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं दिस मेम्ब्रेन इज़ tympanic membrane tympanic membrane ठीक है और इसको क्या कहते हैं ईयर ड्रम ईयर ड्रम ओके सो द दिम्बानिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ कनेक्टिव टिशू ये कनेक्टिव टिशू की बनी रहती है कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इन साइड अंदर से ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है एंड बाहर के साइड से ये स्किन से कवर्ड रहती है द मिडल ईयर कंटेन्स द थ्री ओसिकल्स अब मिडल ईयर में इसके बाद ना तीन ओसिकल्स होते हैं ओसिकल्स यानी कि कुछ स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि ईयर में प्रजेंट होती है ये डायग्राम में दिख रही है इसको इसके पास मेरा और डायग्राम है ये बहुत ही एकदम बहुत ही मतलब छोटी सी बोन्स होती हैं इसमें तीन बोन्स होती हैं इन्हें ऑसिकल्स कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं ऑसिकल्स ठीक है और तीन ऑसिकल्स होते हैं पहला तो ये है एंड ये डायरेक्टली ये थिम्पैनिक अपनी जो थिम्पैनिक थिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो है एंड उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड इसे कहते हैं मैलस एम ए एल एल ई यू एस एंड दिस वन इज़ इनकस मैलस इनकस एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द होल बॉडी एंड इसका नाम है स्टेपीस स्टेपीस ठीक है सो मैलिस इनकस एंड स्टेपीस इसमें भी मैलिस इनकस एंड दिस इज लास्ट में छोटी सी एकदम स्टेपीस सो

सो द इयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशियंसी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड टू द इनर ईयर इससे क्या होता है ना एफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है ट्रांसमिशन की जो भी साउंड वेव आती है उसकी एफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है ये बोन्स करती है एंड स्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फिरिंग्स द स्टेशन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इयर सो दर इज अ ट्यूब यू कैन सी इन दिस डाइग्राम दिस इज द ट्यूब एंड दिस ट्यूब ओपन्स इन टू दरिंग्स यस लाइक दिस दिस इज़ द यू स्टेशन ट्यूब एंड देखो ये जो है ना ये फिरिंग्स में ओपन हो रही है ठीक है निज़ो फिरिंग्स में सो so, ये करती क्या है ये हमारे जो मिडिल एयर में जो प्रेशर है उसे मैंटेन रखती है ठीक है वहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह हो रहे हैं तो प्रेशर मेनटेन रखना ज़रूरी है ताकि हमारा जो एयर ड्रम है वो ठीक से वाइब्रेट करें सो इट कनेक्ट द मिडल ईर कैविटी तो यहाँ पर आ, यह स्टेशन ट्यूब यहाँ कहाँ से शुरू हो रही है मिडल ईयर मिडल ईयर कैविटी एंड कहाँ पर ओपन हो रही है फ्रेंक्स में फ्रेंक्स में ओपन हो रही है ठीक है स्टेशन ट्यूब इज हेल्थ एंड इक्वलाइजिंग द प्रेशर ओके सो ये क्या करती है प्रेशर इक्वलाइजिंग

सो दिस वॉज़ द मिडल ईयर अभी तक मतलब ये पहले हमने थिम्पैनम तक यहाँ पर आउटर ईयर था फिर थिम्पैनिक मेमब्रेन ये ऑसिकल्स एंड ये यू ट्यूब ये मिडल ईयर था एंड अब इनर ईयर में चलेंगे और इनर ईयर में सबसे पहले इनर ईयर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ द दॉकलिया ये राउंड राउंड सा स्नेल के शेल जैसा एंड ये ये इनको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनैल्स एंड ये जाके फिर ये ब्रेन तक जो न्यूरॉन्स जाते हैं वो है ठीक है सो so, पहले कॉकलिया वेस्टिब्यूल बीच का जो पोर्शन होता है एंड फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स से होते हैं इसमें जो ये ट्यूब्स जहाँ पे एंड करते हैं उसे एम्प्यूला कहते हैं ठीक है एंड दिस इज द ओवल विंडो एंड दिस इज द राउंड विंडो अभी एक्सप्लेन करते हैं ओवल विंडो राउंड विंडो क्या है कैसे है सो so, अब आते हैं इनर ईयर में देखो द फ्लूड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबरेंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दो इनर ईयर होता है ना वो टू पार्ट में होता है एंड जो पूरा सिस्टम है इसे हम लेबरेंथ कहते हैं एंड ये दो पार्ट में डिवाइडेड है बोनी एंड मेम्ब्रेनियस देखो ये जो पूरा लेबरेंथ ये पूरा, पूरा 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 अपना जो है ये मिडल ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर है ठीक है अब इसमें तो मैं दिख रहा होगा एक लेयर ऐसी है और एक लेयर उसके अंदर कुछ है तो जो बाहर और अंदर के जो बीच में है जो मैंने यहाँ से ब्लू से मार्क किया है वो वो जो मतलब बाहर वाले जो कवरिंग है ना बाहर वाली कवरिंग वो पूरा बोनी लेबरेंथ बनाती है ये देखो बोनी लेबरेंथ और जो मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ है वो उसके अंदर है कहीं ठीक है और जो बोनी लेबरेंथ के अंदर और मेम्बोरियन मेम्ब्रे मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ के बीच में जो इतना एरिया है वहाँ पे एक फ्लूड है उस कौन सी फ्लूड है पेरीलिम्फ और मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ के अंदर जो फ्लूड है वो होती है एंडोलिम्फ करेक्ट एंड जो हमारी एनजाइटी में डायग्राम दे रखा है वो इसी कॉकलिया ऐसे अगर हम क्रॉस सेक्शन कर दें सो कुछ ऐसा दिखेगा सो इस ये वो डायग्राम है लिखा भी है सो द मेम्बरेनियस लेबर इज फिल्ड विद द फ्लोइड कॉल्डो इंडोलिम्प एंड द कोइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबरिंथ इज कॉकलिया द मेम्बरेनियस कंस्ट्रॉकलिया देखो द मेम्ब्रेंस कंस्ट्यूटिंग कॉकलिया द रिस्नर्स एंड द बेसिलर डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्प फिल्ड बोनी लेबरेंथ इन टू द अपर स्केला वेस्टिब्यूल एंड लोअर स्केला टिम्फैनी देखो मैं समझाता हूँ होता क्या है देखो ये जो कॉकलिया है ना बहुत राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर है पूरा एकदम तो इससे समझना थोड़ा सा तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल है तो ये डाइग्राम ना उसको थोड़ा सा छोटा करके बताता है ठीक है ये कॉकलिया है एंड उसको थोड़ा सा छोटा करके बताता है तो इससे क्लियरली समझ आएगा देखो यहाँ पे ये जो काकलिया है तो मैं दिख रहा है रुको आ, वाइट नहीं 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 ग्रीन नहीं ब्लू <laughs> ब्लू ले जाता देखो ये हमारा स्टेपीज दिख रहा है स्टेपीज यहाँ पे ये जो विंडो है इसे ओवल विंडो कहते हैं क्या कहते हैं ओवल विंडो ओवल विंडो जहाँ पे खुल रहा है जहाँ पे ओपन हो रहा है ये एक ट्यूब लाइक जैसा एक ट्यूब जैसा एरिया पूरा ट्यूब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे फिर वो वापस आकर अपना अराउंड विंडो में ओपन हो रहा है फिर से ठीक है सो so, हर जगह इसका अलग अलग नाम है देखो जब ये एंटर होता है ना जब देखो बुक के साथ चलते हैं द मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ ये जो पूरी लैबरंथ है ना ये फिल्ड विद अ फ्लूड कॉल्ड एंडोलिम्फ अच्छा नहीं द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबरेंथ इज़ कॉल्ड कॉकलिया हम कॉकलिया की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं कॉकलिया की चलो इतना ठीक है अब आगे कॉकलिया द मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूटिंग कॉकलिया द रेसिनर्स एंड बेसिलर डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्फ फिल्ड बोनी लेबरेंथ यानी बोनी लेबरेंथ जो है उसे जो डिवाइड uh, करती है लेयर वो है रेसिनर्स एंड बेसिलर रेसिनर यहाँ पर वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है यही रेसिनर है यही रेसिनर है इसी को रेसिनर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं ठीक है एक ही चीज़ें दोनों वेस्टिब्यूलर एंड रेसिनर्स एंड डाउन साइड में आप देखो यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन दिख रही है ये ये जो है ये वाली मेम्ब्रेन ये कौन सी है पूरी यहाँ तक ये कौन सी है अपनी आ, रेसिनर्स और यही इसी का कंटिन्यूएशन ही आगे जाकर बेसिलर मेम्ब्रेन बन जाता है दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे वाली ठीक है सो so, ये जो अपना पूरा बोनी है ना ये मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा ये बोनी लेबरेंथ है तो ये और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ है बताया था सो so, जो बोनी लेबरेंथ है बोनी लेबरेंथ में क्या होता है पेरीलिम्फ होता है सिंपल सो so, और जो मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ है उसके अंदर क्या होता है एंडोलिम्फ होता है जहाँ पे एंडोलम्फ लिखा हुआ है सो अब देखो तो मतलब ये कह क्या रहा है कि ये जो लेयर है वेस्टिबुलर मेमब्रेन ये इसने जो अपना बोनी लेबरेंथ है और जो बेसलर मेम्रेन है इन दोनों ने मिलकर अपने जो पूरे बोनी लेबरेंथ है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहला स्केला है मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है ये किसने डिवाइड किया वेस्टिबुलर मेम्रेन ने और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज़ ये रहा स्केला टिम्फेनी ठीक है इसको किसने डिवाइड किया? किया है इसको डिवाइड किया है बेसिलर मेम्ब्रेन ने किसने डिवाइड किया है क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे है ना तो इसे बेसिलर मेम्ब्रेन ने डिवाइड करके रखा हुआ है ठीक है आ, बोनी लेबरथ को अपर स्केला अपर का कौन सा है स्केला वेस्टर्ड बैन लोअर का कौन सा है स्केला टिम्फेनाई क्लियर सो द स्पेस विथ इन द काकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया अब देखो कॉकलिया के अंदर जो स्पेस है ना स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ अब जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि मेम्ब्रेनियस मेमरियस क्या था वो मेम्ब्रेनियस लेवन है ना तो मेम्ब्रेनियस लेवन जो है यानी कि ये पूरा 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 ठीक है ये वाला जो पोर्शन है आ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्केला मीडिया एंड इज फिल्ड विथ इंडोलिम्प इसको क्या कहते हैं स्केला मीडिया देखो क्या लिखा होगा स्केला मीडिया स्केला मीडिया स्केला मीडिया कहाँ पर हो इसके भी डिविजन्स लिख दिए शायद हाँ इसके डिविजन्स लिख दिए ओके सो इसको इसके भी डिविजन्स होते हैं ना तो इन लोगों ने डायरेक्टली डिविजन लिख दिया बट इसको ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे स्केला मीडिया ठीक है एट द बेस ऑफ द कोकलिया द स्केला वेजटिबलाय एंड एंड द ओवल विंडो तो देखो तो तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो स्केला वेजटिबलाय है यानी कि ये ये वाला पोर्शन ये वाला ये कहाँ पे एंड हो रहा है ओवल विंडो में एंड हो रहा है ना ये वाली जो विंडो है मैंने बताई थी स्टेपीज जहाँ से कनेक्ट होती है कौन सी विंडो होती है ओवल विंडो सो यही वो चीज़ कह रहा है एंड सेकेंड चीज़ एट द सेकेंड चीज़ ये है वेल द स्केला टिम्फेनाई टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो स्केलाल आर टिम्फेनाई स्केला टिमफेनाई ये कहाँ पर एंड हो रही है राउंड विंडो पे दिस इज द राउंड विंडो राउंड विंडो कहाँ ओपन हो रही है मिडल ईयर में क्लियर नाइस ठीक है सो स्केला मीडिया क्लियर द स्पेस विथ इन द विथिन कॉकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया ठीक है uh, जो कि इंडोलम्प से भरा हुआ स्पेस है चलो अब आगे चलते हैं द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसलर मेम्ब्रेन देखो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन दिख रही है ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये बहुत ढंग से एक्सप्लेन करता है मतलब ये जो बेसुलर मेम्ब्रेन है ये जो बेसुलर मेम्ब्रेन है इस पर ही देखो ऑर्गन ऑफ कॉर्टे रखा हुआ है मतलब इसके जस्ट ऊपर ये जो बेसलर मेम्ब्रेन ये है ना जस्ट इसके ऊपर ये देखो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टा ही है ये अपना ये पूरा ऐसे स्ट्रेच करता है और इसका क्रॉस सेक्शन से समझ आएगा हमको कि, कि कैसे फंक्शन करता है लिस हेयरिंग में सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा इज़ अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसलर मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर सेल्स इसी पे हेयर सेल्स होते हैं किस पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टे पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टे पे क्या होता है हेयर सेल्स होते हैं जहाँ पे हेयर सेल्स होंगे ना वहाँ पे कोई ना कोई सेंसेशन जरूर हो रहा होता है दैट ऑडिटरी रिसेप्टर्स यही हमारे ऑडिटरी रिसेप्टल साइड ऑफन ऑफ कॉर्टाइट ऑफ द हेयर सेल इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद्रेंट नर्व फाइबर देखो अब ये जो वही उसी चीज का एक क्रॉस सेक्शन व्यू है एंड क्रॉस सेक्शन में देख सकते हो आप दिस इज दर्गन ऑफ कॉर्टाइट ठीक है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है अपना स्केला वेस्टिबिलाई ये कौन सा है स्केला वेस्टिबलाई एंड इसी के अंदर हमारा पेरीलिम्फ होता है एंड ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ये जो मेम्ब्रेन है ये रेसनर्स uh, मेम्ब्रेन हो जाएगी हमारी ठीक है एंड दिस पार्ट इज मीडिया दिस इज केला मीडिया वाला रीजन मेन रीजन अपना फिर ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे भी पेरे पेरीलिम्फ होता है एंड दिस 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 लेयर इज़ नो सॉरी सॉरी दिस लेयर इज बेसलर बेसिलर मेमब्रेन ओके ओके एंड दिस इज़ ऑर्गन ऑफ क्वाल्टी बता दिया एंड जो नीचे वाला है वो कौन सा होता है स्केला या टिम्फे ये जो वो पार्ट है स्केला टिम्फैन होता है ठीक है एंड वन मोर इज़ देयर टेक्टोरियल मेम्रेन ये जो उसके ऊपर एक मेमरेन है इसके बारे में अभी बात करेंगे टेक्टोरियल मेमरेन होती है डन डन देखो अब देखो इसका जूम इन व्यू है किसका ऑर्गन ऑफ क्वार्टई का यहाँ पर जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है दिस थिंग ये इसी का इस पार्ट का जूम कर दिया गया है क्या कर दिया गया है जूम कर दिया गया है सो देखो जूमिंग में कैसा दिख रहा है जूम करके कैसा दिख रहा है सो देखो कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो गया जूम करके ये हमारे हेयर सेल्स हैं ये हेयर सेल्स दिख रहे हैं ठीक है हेयर सेल्स लगे हुए हैं कुछ 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 हैं, कुछ फ़ाइबर्स हैं ठीक है फाइबर्स ऑफ द कॉलेर कॉकलियर नर्व ठीक है ये एफरेंट नर्व फाइबर है एन की लैंग्वेज में एफरेंट नर्व फाइबर एफरेंट नर्व नो फाइबर क्या है ये एफरेड नो फाइबर है एंड द लास्ट नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड वेट द हेयर सेल्स हाँ 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 ठीक 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 सो द बेसल एंड देखो जो हेयर सेल का एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है इन्नी नर्व से नर्व से जुड़ा हुआ है ना तो so वही चीज़ बताइए मैंने एफरे नो फाइबर से जुड़ा हुआ है द लास्ट नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरोसिलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर तो ये इनके ऊपर से काफ़ी सारे ऐसे देखो सीलिया निकल रहे हैं इनको कहते हैं ठीक है आर्ट प्रोजेक्टेड एट द एपिकल पार्ट ऑफ द ईच हेयर सेल अब द रोज एंड द हेयर सेल्स इज इन थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है ये दिख रही है कौन सी मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन करेक्ट सो अब इसके बारे में फिर अब जब मैकेजम ऑफ हेयरिंग पड़ेंगे तो फिर बात करेंगे अब देखो एक और चीज़ है दैट इज़ अपना बैलेंसिंग बैलेंसिंग करता है ना ईयर तो वो कैसे करता है तो उसमें वो यूज़ करता है हमारा सेमनी सेमी सेमी सर्कुलर कैनाल्स अब इनको किस तरीके से यूज़ करता है ये लोग एक दूसरे से, से 90 90 डिग्रीज पे अरेंज रहते हैं एंड इनके एंड्स में कुछ एम्पलाज रहते हैं होता क्या है द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल वेस्टिबुलर एपराटस इसे पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं वेस्टिबुलर एपराटस ठीक है एंड इट इज लोकेटेड अब द काकलिया काकलिया के ऊपर रहता है वेस्टिबुलर एपराटस इज कम्पोज ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं इसमें एंड ओथोलेंथ ऑटोलेंथ ऑटोलेंथ ये है ऑटोलेंथ यूट्रिकल एंड सेक्यूलर इन दोनों को ये जो बीच का पूरा पोर्शन है ना ये होता है यूट्रिकल एंड सेक्यूलर एंड उनको साथ में हम कहते हैं ऑटोलिंत ऑर्गन अब देखो ऑटोलिथ ऑर्गन में ना मक्यूला होता है मक्यूला इसमें सेंसरी पार्ट होता है अब इसकी बात करते हैं आगे ईच सेमी सर्कुलर कैनैल लाइज इन द डिफरेंट प्लेन एट प्लें राइट एंगल्स एंड ईच अदर यह सब एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं ताकि हम हर डायरेक्शन में झुकें तो फिर वो चीज़ हमें पता चले बैलेंसिंग करें हमारे ब्रेन को सिग्नल जाए कि हम आगे झुक रहे हैं सो द हज कैनैल आर सस्पेंडेड इन द पैरलिम्फ ऑफ द बोनी कैनल्स सो मेमरेज कैनाल जो होती है वो सस्पेंडेड रहती हैं पैरालंप के बोनी कैनाल्स में एंड फॉलन एंड को क्या कहते हैं एम्पुला कहते हैं ठीक है विच कंटेन प्रोजेक्टिंग दिच कॉल्ड क्रिस्टे एम्पीलैरिस देखो इसमें ना क्रिस्टे एम्पलैरस होता है क्या होता है क्रिस्टे एम्पेलैरस होता है इसके पास हेयर सेल्स होते हैं जो कि सेंसिंग करते हैं यानी यहाँ पे दो सेंसर्स हैं एक तो एम्पला है और एक ये ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ ओ ओटोलिथ ऑर्गन ओटोलिथ ऑर्गन कौन कौन से होते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूलर कौन कौन से होते हैं यूट्रिकल एंड सक्यूलर तो इनमें भी सेंसरी पार्ट होता है इनमें जो सेंसरी पार्ट होता है उसे मक्यूला कहते हैं इनमें जो सेंसटिव पार्ट होता है उसे क्रिस्टा एम्पिलैरिस कहते हैं अब देखो यहाँ पर डायग्राम है ये अपना वही सेमिनिफेरिस सेमी सर्कुलर ट्यूबुल्स सेमनीफेरिस नहीं ये सेमी सर्कुलर ट्यूबुल्स सो इसमें देखो एम्पेला दिख रहा है एम्पेला के अंदर कुछ ऐसे राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर है वो कुछ ये है ठीक है ये क्रिस्टा एम्पिलैरिस है एम्पेला में क्रिस्टा एम्पेलारिस होता है ना हाँ तो ये क्रिस्टा एम्पेलैरिस है एंड ये देखो क्रिस्टा एम्पेलैरिस है एंड दिस इज द मक्यूला दिस इज द मक्यूला एंड इसमें तुम देखो मेन चीज जो क्या है वो ये है कि हेयर सेल्स हैं हेयर सेल्स लगे हुए हैं जो कि तैयार हैं सेंस करने के लिए सिमिलरली यहाँ पे भी देखो हेयर सेल्स लगे हुए हैं जो कि सेंस करके सिग्नल देते हैं कि किस तरी कैसा है सब सिस्टम ठीक है सो ये डायग्राम देख लो एम्पेला एंड यूट्रिकल दिख रहा है एम्पेला यूट्रिकल सक्यूला भी दिख रहा है एंड दोनों को साथ में क्या कहते हैं ओटोलिथ ऑर्गन्स सो दिस वॉज ऑल बट अभी एक और पार्ट बचा है दैट इज मेनिज्म ऑफ फायरिंग मेकेनिज्म ऑफ फायरिंग के लिए इस डाइग्राम पर वापस आते हैं तो होता क्या है हाउ डज द इयर कन्वर्ट द साउंड वेव इंटू द न्यू एम्पल्स मतलब हमारे जो साउंड न्यू रे एम्पल्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये होता क्या है कि ये ब्रेन द एक्सटर्नल ईयर रिसीव द साउंड पहले तो साउंड वेव हमारी ईयर uh, में आएगा ठीक है फिर वो ईयर ड्रम पे आ, आएगा फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा फिर उससे ऑसिकल्स वाइब्रेट करेंगे ठीक है uh, फिर वो ईयर ऑसिकल्स से मतलब वो उसका क्या होगा ट्रांसमिशन होगा फिर वो ओवल विंडो पे जाएगा याद है ओवल विंडो बताई थी फिर वाइब्रेशन जो होगी वो ओवल विंडो से फ्लूड ऑफ द काकलिया में पास हो जाएगी देखो यहाँ पर साउंड पहले ईयर पिन से कलेक्ट होगा अंदर आएगा फिर जाके थम्पैनम से लड़ेगा फिर ये स्टेपीज वगैरह से वाइब्रेट करेंगी फिर ये हमारे आ जाएगा यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा एंड दिस यहाँ पर आ जाएगा एंड ये इस पूरे पैरालम्प इस पूरे पैराल्प जो भी फ्लूड है उस पूरे फ्लूड को वाइब्रेट करा देगा ठीक है इसकी वजह से क्या होगा बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है कौन सी मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन ये भी वाइब्रेट करने लगती है देखो बेसलर मेब्रेन के वाइब्रेट करने से क्या होता है मैं बताता हूँ सो वॉट हैपन्स की द वाइब्रेशन पास टू द ओवल विंडो टू द फ्लूड ऑफ कॉकला फ्लूड भी वाइब्रेट करने लगेगा और इसके बिना वेव्स आ जाती हैं एंड द वेव्स इन द लिम्स इंड्यूस द रिपल्स इन द बेसलर मेब्रेन और इसकी वजह से रिपल्स होने लगते हैं बेसलर मेब्रेन में दीज मूवमेंट्स ऑफ द बेसलर मेम्रेन बेंड द हेयर सेल्स इसकी वजह से हेयर सेल बेंड हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर टेक्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है तो अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन पता चल गया ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है सो इसकी वजह से क्या होता है जब ये देखो यहाँ पर ये बेसलर मेमब्रेन है ना ये पूरी मेम्ब्रेन बेसलर मेमब्रेन है सो जब ये वाइब्रेट करेगा हिलेगा तो ये सेल्स ऊपर ऊपर जाएंगे एंड ऊपर से ये तो दबा ही रहा है तो इसकी वजह से ये जो छोटे 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 छोटे, छोटे सीलियाँ हैं ये एक दूसरे में वाइब्रेट नहीं होंगे घिसेंगे एक दूसरे को मतलब अपना उनका कुछ तो चेंज होगा ना यू कैन इमेजन दिस सो एज अ रिजल्ट द नर्वल्स इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से क्या होगा नर्व इम्पल्स ट्रिगर हो जाएगी एंड वो हमारे ये जो सेंसरी नर्व्ज हैं इनमें चली जाएगी एंड एज अ रिजल्ट नर्व विम्पल्स इज जनरेटेड एसोशिएटेड विद द एफरेंट न्यूरो एंड दीज इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाई द एफरेंट फाइबर्स वी आर ऑडिटरी इन नर्व टू द ऑडिटरी कार्टेक्स ऑफ ब्रेन फिर ये कहाँ चली जाएगी हमारे ऑडिटरी ऑडिटरी कार्टेक्स ठीक है वहाँ पे इसका प्रोसेसिंग वगैरह हो जाएगा जहाँ पे साउंड का रिकॉग्निशन हो जाएगा एंड हम सुन सकेंगे क्या हो रही है बातें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग